नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल हर दिन रोचक और गर्माता जा रहा है, भले ही चुनाव घोषणा अभी तक ना हुई हो। चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक ऐलान ना किया हो, लेकिन सभी सियासी दल अपनी तरफ से अभी से पूरा दमखम दिखाने में लग गए हैं। पूर्व हो या फिर पश्चिम, प्रदेश के हर हिस्सों में चुनाव की गर्माहट महसूस की जा सकती है। ठंड अपने शबाब पर जैसे जैसे आ रही है, राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। इसकी एक वानगी आज देखने को मिली, जहां एक और पूर्व के गढ़ गोरखपुर से पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया। पीएम ने एम्स और खाद कारखानों का उद्घाटन करने के साथ ही पूर्वांचल से सपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम और सीएम योगी की जोड़ी ने अपनी सरकार के कामों को तो गिनाया ही, साथ ही इशारों इशारों में लाल टोपी का जिक्र कर अखिलेश यादव को घेरा। जहां एक और पीएम मोदी गोरखपुर में गरज रहे थे, तो ठीक उसी समय पश्चिम में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने सत्ता पक्ष को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा रैली कर न सिर्फ चुनावी समीकरण को साधा, साथ ही भीड़ जुटाकर माहौल को अपने पक्ष में करने की भी कोशिश की। यानी कि साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूर्व और पश्चिम के जरिए कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि किसका मजबूत पक्ष कौन सा है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। आज सरकार जिस रास्ते पर है, जो रास्ता अपनाया है सरकार ने, वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं है, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। समय समय पर हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना, जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। और इस चुनावी दंगल के बीच में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और पूर्वांचल में गरज हुए पीएम, क्या योगी को फिर बनाएंगे सीएम? पीएम का लाल टोपी पर वार, क्या फिर करेगा कमाल? सत्ता की लड़ाई पूर्व पश्चिम पर क्यों आई? अखिलेश जयंत की जोड़ी क्या साबित होगी दूर की कौड़ी? जाटलैंड में अखिलेश, क्या बीजेपी के लिए बड़ा संदेश? जयंत अखिलेश ने मिलाए हाथ, क्या एमवाई को मिलेगा जाट का साथ? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही राकेश प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत में राकेश जी आपसे करना चाहूंगी कि आज परिवर्तन रैली की शुरुआत हुई, ये परिवर्तन रैली कितना परिवर्तन ला पाएगी? जा रहा है उत्तर प्रदेश को, ये परिवर्तन रैली के माध्यम से सरकार भी बनेगी और उत्तर प्रदेश का विकास भी किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनाई जाएगी। ये बड़े लोग इतनी हल्की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है,
ऐसे इतने बड़े नेताओं का जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और जो सर पे केवल सम्मान रखा जाता है और जो सम्मान सर पे रखे उसको भी अपमानित करने का काम किया जाए बड़े लोगों के द्वारा, तो ये कहीं से उचित नहीं है। आप ये जब 2022 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होने जा रहा है जो 17 के पहले सदन में था। ठीक है, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सर आप बताइए कि जो आज बयान दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका कहना है कि इससे पहले जो 2007 पहले जो बीजेपी का हाल हुआ था ठीक वैसा ही हाल होगा, क्या कहना चाहेंगे कृष्ण मोहन जी? देखिए क्या है कि बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं राकेश जी, और इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। ये भाई इन्होंने सही कहा, परिवर्तन होने जा रहा है। पूर्व में समाजवादी पार्टी जो मात्र 54 सीट पर, इस बार 5.5 सीट पे आने वाली है, वास्तव में ये परिवर्तन होने जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाल टोपी मतलब कोई ना कोई गुंडा है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? आप देखिए मिर्जापुर की घटना, एक सीओ को किस तरह से एक व्यक्ति कैसे सर टकरा के बता रहा है कि मैं मेरी सरकार आने दो, तुम प्रशासनिक लोगों को अपने जूतों पर रखेंगे, जैसे इनके आदरणीय आजम खान जी कहा करते थे लोकसभा के चुनाव में कि ये तो तनखैया लोग हैं, इनको अपने जूते साफ कराएंगे। क्या ये भूल गए? ये वही उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके इन्हीं शब्दों का जवाब दिया था और पुनः इस बार वही जवाब देने जा रही है कि उत्तर प्रदेश में वो परिवर्तन होगा कि सपा बसपा जैसी पार्टियों का उत्तर प्रदेश से समूल नाश होने जा रहा है। और रही बात, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है, सही बदल रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जो दंगों के लिए जाना जाता था, ये उत्तर प्रदेश है जो पलायन के लिए जाना जाता था, ये वही उत्तर प्रदेश है जो अपराध के लिए जाना जाता था, और ये वही उत्तर प्रदेश है जो घर तो घर पार्क तक कब्जा करने के लिए लोग आते थे और खुली छुट्टी मुख्यमंत्री की तरफ से। तो माहौल अब बदल चुका है, माहौल अब याद स्थिति यह है कि किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि वो किसी का घर कब्जा तो छोड़ दीजिए, किसी से एक रुपया भी मांग ले दबंगई के नाम पर। और ये वही लोग हैं, सही कह रहे हैं कि परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन हो गया है। जिस मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी ने लेने से मना कर दिया था, आज स्थिति ये हो गई है कि मुख्तार अंसारी के भाई पूरा परिवार को लेने के लिए मजबूर हो गए। और ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि अपराध का जो गढ़ उत्तर प्रदेश था, पुनः एक अपराधी को साथ लेके ये बोल रहे हैं कि हम वही परिवर्तन करने जा रहे हैं जो 12 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में चला रहे थे। ठीक है। डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील जी, यहाँ दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता दावा कर रहे हैं, नेता दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, दोनों ही परिवर्तन अपने पक्ष में बता रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी करीब से देख रहे हैं, आप परिवर्तन किसके पक्ष में देखते हैं? देखो, पहले तो सपा और भाजपा नेता को ये समझना पड़ेगा कि पिछले 3 बारों की जो सरकारें आई हैं बड़ा पूर्ण बहुमत से आई है और कभी सरकार रिपीट नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की जनता के मिजाज को समझना पड़ेगा। दूसरी, आज ये भी तुलना हो जाए कि योगी और मोदी जी की रैली है, इधर जयंत और अखिलेश की रैली है, इस बात की चर्चा है कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है। तो ये समझ लें, नंबर एक तो भीड़ वोट में परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन भीड़ भी एक ऐसा संदेश देने का प्रयास करती है जहाँ माहौल पैदा होता है। माहौल के लिए आज मैं यह कहूँ, अपन का आकलन करूँ तो देख सकता हूँ कि गोरखपुर और मेरठ की रैलियों में, मेरठ में ज्यादा रैली मुझे दिखाई दे रही है। तो ये भाजपा को समझना पड़ेगा निश्चित तौर से कि रैली की स्थिति क्या है, लोग सुनने किसको ज्यादा आ रहे हैं। और ये जो मेरठ में रैली थी वो केवल रालौत की रैली थी, बाद में इसको गठबंधन रैली दिया गया, और जिस तरीके से वहाँ कटआउट लगे हुए हैं उसमें प्रतीत होता है कि अखिलेश यादव के कटआउट छोटे हैं और जयंत जी के कटआउट बड़े लगे हुए हैं। तो पहले जो स्थिति वहाँ थी कि गठबंधन को लेकर के जो पिछले हफ्ते रैली हुई उसमें जयंत जी को जाना था, जयंत जी नहीं पहुंच पाए, 22 तारीख की एक डेट फिक्स थी, 22 तारीख को गठबंधन का क्या ऐलान होला था, वो भी अलाउड नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें देखने से प्रतीत होती हैं कहीं ना कहीं समाजवादी के पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी अभी भी निर्णय लेने में पीछे हैं। तो जो माहौल है वो भांप रहे हैं कि आखिर में किस गठबंधन वाली पार्टी को कौन सी सीटें दी जाएंगी।
और भाजपा को यह समझना पड़ेगा कि जो 2017 के चुनाव में जो राजनीतिक दल उनके साथ है, क्या वास्तव में वो उनके साथ हैं? क्या 2019 का लोकसभा का चुनाव जो राजनीतिक दल उनके साथ लड़े, क्या वो 2022 के चुनाव में उनके साथ होंगे? ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जो आज उनके साथ नहीं है? तो 2022 का चुनाव निश्चित तौर से मनदीप रोचक होगा जी। और मोदी जी का ये कहना एक बड़ा संदेश देना है कि लाल टोपी को लाल बत्ती के लिए चाहिए या लूट के लिए चाहिए, ये थोड़े से मायने हैं। और ये समाजवादी पार्टी के भी नेता मानेंगे कि जो अखिलेश जी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति रही है जो जनता के भी जगह नहीं बना पाए और दोबारा पुनः सत्ता में वापस नहीं हुए। ये भी नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया, विकास किया, लेकिन उस विकास के बदले में क्या जनता उनके साथ लौट के आई, ये भी देखना पड़ेगा। निश्चित तौर से कुछ न कुछ ऐसे तत्व इनके साथ मौजूद थे जहां सरकार के का हनक जो थी उसको माहौल को बदला और वो वोट में तब्दील नहीं हो पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, ये भी बड़े इतिहास की बात है कि उस पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जहाँ 100-100 विधायक धरने पर बैठ गए हों, और मैं कह सकता हूं बड़ा दावे के साथ, आज विधायकों में बात की जाए या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात आए, वो भी भाजपा में बिल्कुल कह सकते हैं कि नाराज चढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो सुखी नहीं है। और उनके जो काम हैं जिले स्तर पर लोग नहीं समझ पाए, थाने स्तर पर उनकी बातें नहीं सुनी गई, ये तमाम बातें मीडिया में भी निकल के आई, सांसदों ने भी कहीं और विधायकों ने भी ये कहीं। तो अब ये देखना पड़ेगा 2022 में कि जो उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनका रिजल्ट 2017 में आया, अब 2017 में जिनके साथ जनता गई वो 2022 में रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं कहूं कि दोनों सरकारों का इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया, बीजेपी बहुत दिन से सत्ता में नहीं थी, 2017 में बीजेपी में भी देख लिया, भारतीय समाजवादी पार्टी भी नहीं रही। तो ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2012 में माहौल बदला और ये लगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि एक पढ़ा लिखा लड़का आया है, निश्चित तौर से इस प्रदेश के भाग्य को बदलेगा। और जो माहौल उनकी रैली अखिलेश जी की थी, उस रैली में इतनी भीड़ जुट रही थी, वो क्या वास्तव में 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें वोट में तब्दील नहीं कर पाए? तो ये दोनों राजनीतिक दल के नेता समझ लें इस बात को लेकर के कि ये उत्तर प्रदेश की जनता है जिसको भी वोट देगी, बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ वोट देगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी परख चुकी है जनता और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी परख चुकी है। अब जो फैसला होगा वो जनता के हाथ में होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव काफी ज्यादा करीब है और इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दमखम के साथ में तैयारियों में जुटी हुई हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपके पास में आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ अपने विकास के दावों को बता रही है कि क्या कुछ विकास हुए हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा दोहरा रही है, लेकिन आप बताइए कि समाजवादी पार्टी पर जनता एक बार फिर से भरोसा क्यों जताए? भरोसा जिता सकती है कि सबका सम्मान था, सबका विकास था, लोगों के लिए रोजगार था, बिजली के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में अद्वितीय काम किया गया, सड़कें बनाई गई, अस्पताल बनाए गए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए और बराबर सबको सम्मान मिला। जहां तक अभी मेरे भाई ने कहा कि 5.5 फीट समाजवादी पार्टी पाने जा रही है, तो क्यों ऐसी बात करते हैं जब गणित ना पता हो कि 5.5 कतई नहीं हो सकता, या तो 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। रही बात अभी हमारे विश्लेषक जी बता रहे थे कि भीड़ जनता की, और दूसरी बात कि काम किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन जनता ने नकारा 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को। बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी स्थिति ठीक नहीं रही और समाजवादी की पार्टी की प्रचंड बहुमत आई। जब प्रचंड बहुमत आई तो निश्चित ये सरकार तुगलकी मानसिकता के अधिकारियों के घेरे में आ गई। जब जनप्रतिनिधियों को जिस प्रदेश में सम्मान नहीं मिलेगा, जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन होगा, तो अभी जब 100 विधायक की बात बिल में आने की हुई तो 100 विधायक नहीं बिल में आए थे, मैं उस समय सदन में मौजूद था और 200 विधायक बिल में आए थे। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब सदन चल रहा हो और सत्ता पक्ष के विधायक सत्ता के ही विरोध में बिल में आ जाएं और 200 की संख्या में आ जाएं, उसी समय नैतिकता के आधार पर सरकार को बैठे लोगों को सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो 2017 की सरकार बनाई है तो निरंतर भ्रष्टाचार के विरोध में बनाई है,
अभी बात हुई दंगों की, तो दंगा करने वाले लोग तो सरकार में बैठ गए जो दंगा करवाते थे, जो दंगाई थे वही जाके सरकार में बैठ गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक यूनिट बिजली, राकेश जी आप तो उसी मुद्दे पर हमलावर हो रहे हैं जिसको बीजेपी अपनी उपलब्धि बताती आई है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि क्या एक यूनिट बिजली की उत्पादन के का कोई काम उत्तर प्रदेश में पिछले, तो राकेश जी आपने सत्ता तक गुंडों को पहुंचने ही क्यों दिया? इससे पहले तो आप ही की पार्टी की सरकार थी ना। मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये सरकार जो बनी 17 में वो जनता को गुमराह करके बनी। कब्रिस्तान और शमशान की बात हुई कि केवल कब्रिस्तान बनाए गए, शमशान नहीं बनाए गए। मैं विधायक के तौर पे आपसे बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आके मेरे क्षेत्र का सर्वे कर लीजिए, लगभग 42 ग्राम पंचायतों में शमशान का निर्माण हुआ है। लगभग 24 से 25 लाख रुपए ग्राम पंचायतों के खाते में गया और शमशान बने। होली और दिवाली और बकरीद और ईद की बात कर जनता को गुमराह करने का काम किया गया। जब 2017 का जब रिजल्ट आया था तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश जी ने की थी और कहा था कि जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया उसमें हम हारे हैं, और जो आपने कहा कहीं ना कहीं कब्रिस्तान शमशान की जो बात हुई, साथ में ये अगला इलेक्शन भी हम उसी तर्ज पर लड़ेंगे, तो क्या वो, मैं उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करूं तो क्या लगता है कि आप उसी हसीये पर चल दिए हैं क्या? बिल्कुल, मैं वही करूंगा जो पिछले 2012 से लेकर 17 की सरकार में हमने जिस तरह उत्तर प्रदेश का विकास किया था, हमने पंपान भी बनाया था, हमने कब्रिस्तान भी बनाया था, हमने ईद और बकरीद पे भी बिजली दी थी, हमने होली और दिवाली पे भी बिजली दी थी, हमने सड़कें बनाई थी, हमने जो है सर, उस पर तो चुनाव हो गया ना, राकेश जी उस पर चुनाव हो गया, जनता ने निर्णय कर दिया, 2017 में रिजल्ट आ गया था, और वो जो आपने किया वो सब जनता ने नहीं माना उसको। मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश जी ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की का जिस लहजे में या जो चुनावी माहौल में जो माहौल बनाया भाजपा ने, उस माहौल से बीजेपी निकली है, अगला इलेक्शन हम उसी माहौल को क्रिएट करेंगे, तो क्या वही जो हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान वाला दीपावली ईद वाला क्या वही माहौल क्रिएट करेंगे क्या आप? नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो 2012 से 17 तक मैंने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई थी, विकास की डोर को दौड़ाया था, उसी को फिर करेंगे और उसी विकास, राकेश जी उसको तो जनता नकार चुकी है ना, आगे की रणनीति क्या होगी उस पर बात कीजिए ना। आगे की मेरी रणनीति होगी कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, बेरोजगारी से हटाया जाएगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, लोग किसानों के खेतों को जानवरों से बचाने का काम किया जाएगा। और राकेश जी किसानों का तो मुद्दा लगभग खत्म होने वाला है, आप लोग अभी भी उसी पर अटके हुए। ठीक है कृष्ण मोहन जी, 1985 से लेकर अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हुई है, एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और 2017 के मुकाबले 2022 का चुनाव होगा वो बहुत खास होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है अब इसे करती है। आप देख लेंगे 2014 का चुनाव रहा, 2017 का चुनाव रहा, 2019 का चुनाव रहा, और पुनः मैं 2022 की भी बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो क्षमा कीजिएगा, मैं टोक रहा हूँ आपको, क्षमा कीजिएगा भाई हूँ, मैं टोक रहा हूँ। इसी बीच में बिहार का भी चुनाव हुआ है, इसी बीच में जो है राजस्थान का भी चुनाव हुआ, इसी बीच में छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, वो तो बहुत सारे राज्य हैं सपा जी, मध्य प्रदेश का भी, वो तो बहुत सारे राज्य हैं उसको आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है सुनील जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि समय की कमी है, बहुत संक्षिप्त में आप इसका जवाब दें। मुझे लगता है कि अभी देखो चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है, और माहौल क्रिएट करने के लिए जहां तक आज प्रधानमंत्री की जो घोषणा बता रही है कि लाल टोपी का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रेड अलर्ट है, लूट है, लाल बत्ती है, तो अभी आप समझ सकते हैं कि जब आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की रणभेदी बच जाएगी तब क्या माहौल होगा, वो इन रैलियों से पता चल सकता है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, जो रास्ता जाए निश्चित तौर से 2022 का चुनाव देखने दिखाने लगा। तो 2024 का जो रास्ता होगा वो 2022 से ही होकर गुजरेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में जो बैक टू बैक रैलियां हैं और बड़ी बड़ी सौगातें जो दी जा रही हैं
वो जनता पर कितना असरदार साबित होगी ये तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। लेकिन सभी तैयारियों जो है सभी पार्टियों की तरफ से वो शुरू हो चुकी है। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि 2022 का चुनाव क्या कुछ परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लेके आता है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।